अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। मेरे चैनल ज़रीन मल्टीफूड जायका में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रीन मटन खीमा मसाला। इसके लिए मैं ले ली हूँ ये 300 ग्राम मटन का खीमा जो मैंने धो कर रख लिया था। टमाटर, कोथमीर, ये हरी मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया था। दही, ये 3 प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और ये मटर है, उबाल के मैंने रख लिया था। और ये कुछ सूखे मसाले हैं मेरे पास। ये है मटन मसाला मेरे पास। और ये नमक, हल्दी, होममेड गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। अगर आपके पास मटन मसाला ना हो तो सिर्फ आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने देगची रख ली है, इसके अंदर मैंने 3 चम्मच तेल डाल लिया है। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से नरम होने देंगे, ज़्यादा लाल होने नहीं देना है हमें। सिर्फ हल्का सा इसका रंग तब्दील हो जब तक इसे भूनना है। देखिए इसमें थोड़ा सा नमक डालकर भून लेंगे हम, ताकि हमारी प्याज जल्दी से नरम हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज नरम हो चुकी है। ये देखिए प्याज गुलाबी हल्की हो चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे। इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। अदरक लहसुन भी भून चुका है। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्ची मैं मेरे हिसाब से ली हूँ, आप अपने हिसाब से ले लें। ज़्यादा तीखी नहीं है ये। हरी मिर्ची भी भून चुकी है। अब हम इसमें ये सूखे मसाले डालेंगे। इसे भी अच्छे से भूनने देंगे। ये देखिए मसाले भी भून गए हैं। अब हम इसमें ये दही डालकर इसे भी अच्छे से पका लेंगे। दही का कच्चापन जब तक चला ना जाए, जब तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, दही भी हमारा पक चुका है। मसाला अलग और तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें खीमे को डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे। खीमा जब तक पकना जाए, जब तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए खीमा भी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ये टमाटर भी डालकर टमाटर को गलने तक अच्छे से पकने देंगे। टमाटर डालने से टेस्ट अच्छा होता है दोस्तों। इसे अच्छे से हम टमाटर जब तक गल नहीं जाते, जब तक हम इसे पका लेंगे। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें ये उबले हुए मटर डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर 20 मिनट तक हम पकने देंगे खीमे को। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 20 मिनट तक दम पर यूं ही पकने देंगे धीमी आंच पर। ये देखिए खीमे का पानी सारा सूख चुका है। अब हम इसे धीमी आंच पर ही ऐसे ही भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें कोथमीर भी डालेंगे। अच्छे से इसे भूनने देंगे धीमी आंच पर। ये देखिए हमारा खीमा सर्व होने के लिए रेडी है दोस्तों। अब मैं आपको इसे सर्व करके मिलती हूँ। ये देखिए हमारा ग्रीन मटन खीमा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, इतना मज़ेदार ये खीमा बना है, आप भी ज़रूर ज़रूर बनाकर खाएं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।